बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाले मरीजों का एक बड़ा वर्ग यंग रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं, यानी कि युवा महिलाएं हैं, जिनका जाहिर तौर पर एक कंसर्न होता है, प्रश्न होते हैं, चिंताएं होती हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद उनके फ्यूचर के प्रेगनेंसी के प्लान पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं डॉक्टर चिराग ठक्कर, एक बेरियाट्रिक सर्जन, इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी के अलग अलग फेजेस में बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से क्या असर हो सकता है और हमें क्या विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहती है। हम बात करेंगे फर्टिलिटी और कंसेप्शन, यानी कि गर्भ धारण और प्रजनन क्षमता के बारे में, प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था का प्रोग्रेस कैसे होगा, उसमें क्या विशेष देखभाल रखने की जरूरत रहती है, डिलीवरी और एंड चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के दौरान कोई और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है या नहीं है, और पोस्ट प्रेगनेंसी केयर यानी कि गर्भावस्था के बाद का क्या विशेष ध्यान बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीजों को रखने की जरूरत है। इन सब विषयों पे मैं बात करूंगा। इन सब विषयों पे मेरे विचार जानने के लिए ये वीडियो को आप अंत तक देखें। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद एक अच्छी मात्रा के सस्टेन वेट लॉस की वजह से और बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से होने वाले शरीर के हार्मोनल बदलाव की वजह से फर्टिलिटी और कंसेप्शन यानी कि प्रजनन क्षमता और गर्भ धारण में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। रिपोर्टेड डेटा के हिसाब से ऐसे सारे मरीज जो इनफर्टिलिटी या व्यंगत्व से जूझते हैं, परेशान है, उनमें से करीबन 40-45% यानी कि 40-45% मरीज ओबीस या मेदस्वी है, और ऐसे सारे मरीजों को बेरियाट्रिक सर्जरी से होने वाले हार्मोनल बदलाव और वेट लॉस की वजह से फर्टिलिटी में काफी अच्छा सुधार मिलता है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसे मरीजों के इनफर्टिलिटी का इलाज है। तो जो फर्टिलिटी पे बेरियाट्रिक सर्जरी का असर है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और उसकी वजह से फर्टिलिटी में कोई परेशानी आए या तकलीफ खड़ी हो ऐसी बात नहीं होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से प्रेगनेंसी और गर्भ धारण में जो विशेष ध्यान रखना है या प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि हमें प्रेगनेंसी ऑपरेशन के बाद शुरुआत के 1.5 से 2 साल तक अवॉइड करना चाहिए। शुरुआती दिनों में जब वेट लॉस ज्यादा हो रहा है उस समय पे अगर प्रेगनेंसी रहता है तो मदर और चाइल्ड, बच्चे और शिशु के पोषण पे असर होने की थोड़ी सी संभावना रहती है, और इसीलिए प्रेगनेंसी को हमें डिले करने की जरूरत रहती है। तो विशेष ध्यान ये भी रखना है कि शुरुआती 1.5 से 2 साल में कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक जो ऑप्शंस होते हैं उसका अच्छे से पालन करना चाहिए, जिससे कि जब हम नहीं चाहते हैं वो समय पे प्रेगनेंसी रहे ऐसा ना हो। ऐसे सारे मरीज जो लंबे समय से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत कॉमन है कि कॉन्ट्रासेप्शन को, गर्भ निरोधक जो एडवाइस है उसको थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी रहने की एक्सपेक्टेशन और आशाएं कम होती है। पर बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में क्योंकि फर्टिलिटी बहुत तेजी से और काफी अच्छे से इम्प्रूव होती है, अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो जब शुरुआती दिनों में हम नहीं चाहते हैं वो समय पे प्रेगनेंसी रहने की संभावना रहती है। बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के बाद जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनके प्रेगनेंसी के प्रोग्रेशन और केयर में यानी कि गर्भावस्था के की प्रगति और उसके देखभाल में कोई विशेष बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज की तरह ही उनकी प्रेगनेंसी प्रोसीड होती है। केयर ये रखना है कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं और न्यूट्रिशनल इवेल्युएशन होता है, जो विटामिन, आयरन लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल्स का जो इवेल्युएशन होता है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से और इलाबोरेट होना चाहिए, और जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव रहने की ज़रूरत पड़े। तो
तो ध्यान ये रखना है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है, ताकि वो जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उसमें एप्रोप्रिएट बदलाव कर पाए। और दूसरा, आपको अपने बेरियाट्रिक टीम और बेरियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए, उनके फॉलोअप में रहना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने एडवाइस और इनपुट्स दे सके, जिससे कि आपका और आपके बच्चे का न्यूट्रिशन अफेक्ट ना हो। बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में जब डिलीवरी और चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म का समय आता है, तब डिलीवरी में बेरियाट्रिक सर्जरी के जो आपका जो हिस्ट्री है उसकी वजह से कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन दोनों ही बाकी के आम प्रेग्नेंट लेडीज की तरह ही मुमकिन होता है, और दोनों में से क्या विकल्प चुनना वो आपकी ओवरऑल हेल्थ और प्रेगनेंसी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उसको ध्यान में रख के आपके गायनेकोलॉजिस्ट ले सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स को पोस्ट प्रेगनेंसी केयर का जो मेन कंसर्न रहता है, जो विशेष ध्यान होता है, वो यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वजन बड़ा होता है उसको हम अच्छी तरीके से फिर से लूज कर सके। इवन नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज में भी जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है उसको कम करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल और जटिल होता है। और अगर हम ऐसे मरीजों की बात करें जिन्होंने पहले बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है, तो ये जाहिर तौर पर हमारा एक मेन कंसर्न रहता है। हमारा एडवाइस ऐसा है कि पोस्ट प्रेगनेंसी फेज में आपको फिर से अपने बेरियाट्रिक टीम के साथ फॉलोअप करना चाहिए, बेरियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट के फॉलोअप में रहना चाहिए, जिससे कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी में हम ऐसे बदलाव कर सके जिससे कि आपके और बच्चे के पोषण को कोई नुकसान किए बिना हम अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी में गेन किया हुआ वेट फिर से कम कर सके। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में आपके कोई और प्रश्न है, कोई और क्वेरीज हैं, तो आप हमारे बेरियाट्रिक टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी आपको किसी भी तरह से गाइड करने में और मदद करने में।